मेरे परिवारजनों, संतों का स्वभाव होता है कि जो उनका संग पाता है, उनका मार्गदर्शन पाता है, वो खुद संत बन जाता है। अरविंद भाई का पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अरविंद जी वेशभूषा से भले ही एक बिल्कुल सामान्य जीवन जीते थे, सामान्य से व्यक्ति दिखते थे, लेकिन भीतर से उनका जीवन एक तपे हुए संत की तरह था। पूज्य रणथोर दास जी की अरविंद भाई से बिहार में आए भीषण अकाल के दौरान मुलाकात हुई। संत के संकल्प और सेवा की सामर्थ्य कैसे, इस संगम के उससे सिद्धि के कैसे कहे आयाम स्थापित हुए, ये आज हमारे सामने है। आज जब हम अरविंद भाई की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करें। उन्होंने जो भी जिम्मेदारी उठाई, उसे शत प्रतिशत निष्ठा से पूरा किया। उन्होंने इतना बड़ा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया, मफतलाल ग्रुप को एक नई ऊंचाई दी। ये अरविंद भाई ही थे जिन्होंने देश का पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया था। आज देश की अर्थव्यवस्था में और सामान्य मानवी के जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली कई कंपनियों की नींव में उन्हीं की दृष्टि, उन्हीं की सोच, उन्हीं का परिश्रम है। यहां तक कि कृषि के क्षेत्र में भी उनके काम की काफी सराहना होती है। भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पर उनके काम को लोग आज भी याद करते हैं। भारत की टेक्सटाइल जैसी पारंपरिक इंडस्ट्री का गौरव लौटाने के में भी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। देश के बड़े बड़े बैंकों को, बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी उन्होंने नेतृत्व दिया। उनके काम ने, उनके परिश्रम और प्रतिभा ने औद्योगिक जगत के साथ साथ समाज पर एक अलग छाप छोड़ी है। देश और दुनिया के कितने ही बड़े अवार्ड और सम्मान अरविंद भाई को मिले। द लायंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, सिटीजन ऑफ बॉम्बे अवार्ड, सर जहांगीर गांधी गोल्ड मेडल फॉर इंडस्ट्रियल पीस, ऐसे अनेकों सम्मान देश के लिए अरविंद भाई के योगदान के प्रतीक हैं।